कैसे भुलाएं तेरा प्यार बापा। जनवरी 2019 अव्यक्त माह की अव्यक्त पुकार। शांति स्तंभ के 18 अभिलेखों में जो ज्ञान स्तंभ है उसमें का लिखा हुआ पहला अभिलेख, समय कम है। समय कम है तो क्या करो, समय कम है तो क्या करो और क्या नहीं करो, समय को सफल करो। समय कम है तो, समय कम है तो समय को व्यर्थ से बचाओ। समय कम है तो पुरुषार्थ को तीव्र करो। समय कम है तो याद की यात्रा की रफ्तार में गिरफ्तार हो जाओ। समय कम है तो कंबाइंड रहो। समय कम है तो सफल करो, समय को सेवा करो। समय कम है तो निखिलेश भाई, समय कम है तो क्या करो, समय कम है तो समय के पीछे पड़ जाओ। समय के महत्व को समझो और समय के महत्व को समझाओ। समय कम है तो समय को समय के साथ समय के घोड़े पर सवार होके भागो। समय कम है तो वहां उसकी पुकार सुनो, कॉल ऑफ टाइम। समय कम है तो जंप लगाओ, गैलोप करो। समय कम है तो साथी बनाओ, दौड़ी लगाओ। समय कम है तो उसके मूल्य को जानो और आज भी कहा टाइम वेस्ट नहीं करो। समय कम है तो समय के समय को पहचान लो। तो समय कम है तो क्या नहीं करो, गफलत नहीं करो। समय कम है तो क्या नहीं करो, समय वेस्ट नहीं करो। समय कम है तो क्या नहीं करो, समय को बर्बाद मत करो। समय कम है तो क्या ना करो, अलबेले मत बनो और निद्राजीत बन जाओ। और आशीष भाई, समय कम है तो क्या करो, क्या नहीं करो, समय पर आओ, टाइम पर आओ। समय कम, कम समय में ज्यादा कम। पुराना मत सोचो, जो बीत गया सो बीत गया। तो
समय कम है, गफलत मत करो। गफलत अर्थात गफलत शब्द का क्या अर्थ है? गफलत के ढेर सारे अर्थ है। पहला गफलत अर्थात भूल, दूसरा गफलत अर्थात त्रुटि, तीसरा गफलत अर्थात असावधानी असतर्कता, चौथा गफलत अर्थात आलस, और भूल भी कैसी, बड़ी भूल, छोटी मोटी भूल नहीं, एक है भूल, एक है बड़ी विशालकाय, हिमालयन मिस्टेक, हिमालय जैसी भूल, उसको गफलत कहते हैं। तो ऐसी कोई गफलत नहीं करो, ऐसी कोई मिस्टेक नहीं करो, ऐसी कोई त्रुटि ना रह जाए, ऐसी कोई बात ना करो कि जिसके लिए बहुत पश्चाताप करना पड़े। इसके लिए सुबह उठो तो अव्यक्त महावाक्य है बाबा के, क्या बन जाओ, मास्टर ब्रह्मा बनो। मास्टर ब्रह्मा बनकर श्रेष्ठ संकल्पों की रचना करो, क्योंकि वर्तमान शक्तिशाली है। वर्तमान को यदि शक्तिशाली बना दो तो पास्ट का पलड़ा हल्का हो जाएगा। अभी अभी संडे की मुरली पार्टी से मुलाकात, वर्तमान को शक्तिशाली बना दो, वर्तमान तुम्हारे हाथ में है, फिर जो कल हुआ और जो पास्ट हुआ और जो टाइम वेस्ट हुआ और जो गलतियां हुआ, वो पाप हुआ, विकर्म हुआ, दुष्कर्म हुआ, दुश्चिंतन हुआ, वो सब समाप्त हो जाएगा। तो सुबह उठो क्या बन जाओ, मास्टर ब्रह्मा। सारे दिन भर मास्टर विष्णु बनकर उन श्रेष्ठ संकल्पों की पालना करो, महान संकल्पों की पालना करो, कि कोई ऐसी गलती ना हो जाए दिनचर्या में कि जिसके लिए महान पश्चाताप करना पड़े, क्योंकि अब पश्चाताप करने का समय नहीं है। गलती करो, फिर सीखो, फिर पश्चाताप करो, बार बार कितना टाइम जा रहा है उसमें। टाइम पश्चाताप करने में भी टाइम वेस्ट मत करो, अव्यक्त महावाक्य। रात को सोते समय क्या करो, जो व्यर्थ, जो निगेटिव, जो सारे दिन भर नहीं कर पाए, जो वेस्ट था, मास्टर शंकर बनकर उसको समाप्त करो। तो रोज अपने त्रिमूर्ति स्वरूप धारण करने, मास्टर ब्रह्मा, मास्टर विष्णु और मास्टर शंकर। तो समय कम है, समय अंतिम सांसें गिन रहा है, समय बहुत कम है, इसके लिए गलती नहीं करनी है अब। और जो कार्य करना है उसको पूरा करना है, आधा करके छोड़ नहीं देना है। जैसे एक मकड़ी जो होती है, सुबह सुबह उसको भूख लगती है तो अपने ब्रेकफास्ट के लिए, नाश्ते के लिए सोचती है मैं एक जाल बुनूं कि जिसमें मक्खियां, कीड़े और कुछ आएंगे, फंसेंगे तो मैं खाऊंगी। तो वो कमरे के कोने में जाकर अपना जाल बुनने लगती है, पर जैसे ही जाल बुनने लगती है और जाल पूरा होने को था तो एक बिल्ली वहां आ जाती है, और वो बिल्ली उस जाल को, मकड़ी को देखती और कहती है और हंसने लगती है। तो मकड़ी पूछती है तुम क्यों हंस रही हो, वो कहती है हंसू नहीं तो क्या करूं, ऐसी मूर्खता, यहां कौन आएगा इस कोने में, इतना साफ सुथरा ये कोना है, इस जाल में कोई भी नहीं फंसेगा। तो मकड़ी को ये बात थोड़ी जच जाती है, कहती है मैंने टाइम वेस्ट कर दिया यहां बनाया। तो वो खिड़की के पास जाती है और खिड़की में अपना जाल बुनना चालू करती है, तो वहां से एक चिड़िया गुजरती है। चिड़िया कहती है मकड़ी बहन तुम ये क्यों टाइम वेस्ट कर रही हो, कभी भी हवा आ सकती है, कभी भी हवा का झोंका आएगा और तुम्हारा ये जो जाल है वो टूट जाएगा। उसको बात ठीक लगती है, वो अलमारी के पास जाती है और अलमारी के वहां पर अपना जाल बनाना चालू करती है, तो वहां से कॉकरोच गुजरता है। वो कहता है ऐसी मूर्खता क्यों कर रही हो, ये अलमारी अभी थोड़ी दिन में बिकने वाली है, पुरानी हो गई है। और तब तक तो वो मकड़ी निढाल हो जाती है, दोपहर हो जाती है, सुबह से नाश्ता भी नहीं किया है, और जो काम कर रही है आधा कर रही है और छोड़ रही है, और समय भी चला गया। तो एक चींटी वहां से गुजरती जाती है तो वो कहती है मैं तुमको सुबह से देख रही हूं, अगर एक ही तुमने जाल बुना होता और पूरा काम किया होता तो आज तुम्हारी ये हालत न होती।
कुआं खोदने लगे, पानी नहीं निकला, छोड़ा, दूसरी जगह खोदना चालू करा, शायद वहां से निकल जाए। वहां खोदा, नहीं निकला, उसको भी छोड़ा, तीसरी जगह खोदना चालू किया और ऐसे 10 कुएं खोद दिए और पानी किसी में नहीं निकला। जगदीश भाई जी ने उदाहरण दिया है, इससे तो अच्छा क्या किया होता, बस एक के पीछे लग गए होते तो बहुत अच्छा होता। ये भी चाहिए, वो भी चाहिए, ये करूं वो करूं और हाथ में कुछ भी नहीं, एक ही पुरुषार्थ, उसी की गहराई में चले जाना और इधर उधर टाइम वेस्ट नहीं करते रहना। तो समय क्या है, बहुत कम है, इसकी आंतरिक अनुभूति हो। समय कम है अर्थात विनाश का समय, वो होगा ना होगा, हमारा अपना भरोसा नहीं है यहां। क्या कोई ऐसा कह सकता मैं शाम तक जिंदा रहूंगा? आज ही शायद जीवन का अंतिम दिवस होगा, कभी भी कुछ भी हो सकता है। तो ब्रह्मा बाप समान बनने के लिए आज का विशेष पुरुषार्थ है, जैसे ब्रह्मा बाप सदा परमात्मा प्यार में क्या थे, लवलीन थे, बाप के सिवा और कुछ दिखाई नहीं देता था। संकल्प में भी बाबा, बोल में भी बाबा, कर्म में भी बाप का साथ, ऐसी लवलीन स्थिति में रहे, कोई भी शब्द बोलेंगे ना वह स्नेह के बोल दूसरी आत्मा को भी स्नेह में बांध देंगे। ऐसी लवलीन स्थिति में रहो तो एक शब्द बाबा ही क्या कर देगा, जादू मंत्र का काम करेगा। तो क्या उदाहरण दिया, ब्रह्मा बाप सदा परमात्मा प्रेम में लवलीन रहे, एक बाप के सिवा कुछ भी दिखाई नहीं दिया, संकल्प बोल कर्म सब में एक परमात्मा याद, एक परमात्मा प्यार, एक परमात्मा साथ, उसी एक परमात्मा की याद में डूबे हुए, समाये हुए, निमग्न, एब्सॉर्ब्ड, ऐसी लवलीन स्थिति में रहे, कोई भी शब्द बोलेंगे तो क्या होंगे वो शब्द, दूसरी आत्माओं को टच करेंगे, तीर की तरह चुभेंगे और उस आत्मा को भी बाप के स्नेह में बांध देंगे। ऐसी स्थिति चाहिए लवलीन, एक शब्द बाबा ही क्या कर देगा, जादू मंत्र का काम करेगा। लवलीन अर्थात, लवलीन अर्थात लव में लीन, लवलीन अर्थात खोया हुआ, लवलीन अर्थात समाया हुआ, लवलीन अर्थात एक में विलय, एक में लीन। लवलीन के दो अर्थ है, एक तो खो जाना, समा जाना, विलय, मिक्स हो जाना, मर्ज हो जाना, कंबाइंड हो जाना, यूनाइट हो जाना, एक तो ये। दूसरा अर्थ लवलीन का, किसी एक ये मिक्स हो जाना, दो चीजें जैसे पानी दूध में डाल दिया, एक हो गए। दूसरा किसी एक बात के चिंतन में खो जाना, ऐसे दो अर्थ है, दोनों तरीके से यूज किया जाता है, लगभग सेम है, परंतु किसी एक बात के चिंतन में, जैसे ये व्यक्ति प्रभु चिंतन में लवलीन है या अपनी पढ़ाई में लवलीन है, तो लवलीन के दो अर्थ है। तो बाबा कह रहे किस में लवलीन हो जाओ, परमात्मा प्रेम में। कैसे होंगे प्रभु प्रेम में लवलीन, कैसे होंगे, क्या करेंगे, एकाग्रता से और दिनचर्या में क्या, उसके महत्व को समझेंगे और चिंतन से, मनन से, अध्ययन से, एक है तैरना, एक है डूबना, सोचना अर्थात तैरना, मनन अर्थात डूबना, ये अंतर है सोचने में।
सोचना, फिलोसोफर सोचते हैं, दार्शनिक जो होते हैं, थिंकर्स, विचारक, वो विचार करते हैं, परंतु उनकी अवस्था अलग है। एक है मनन करना, मनन अर्थात डूब जाना उसमें, उसकी गहराई में। तो लव लीन हो जाना अर्थात एक हो जाना, विलय समा जाना। कैसे समा जाएंगे ईश्वरीय प्रेम में? क्या हम करें कि वो प्रेम रग रग में, रोया रोआ में, नस नस में समा जाए, धमनियों में रक्त की तरह बहे परमात्मा प्रेम? क्या किया जाए? स्वीट और सर्व संबंध एक के साथ और संपूर्ण समर्पण। अभी अभी मुरली चली थी 6 तारीख को, ईश्वरीय प्रेम में क्या करो? लव लीन रहो। परमात्मा प्रेम में क्या करो? खो जाओ। परमात्मा प्रेम अव्याख्य है, उसे बोला नहीं जा सकता, उसे वर्णन नहीं किया, अवर्णनीय है। क्या है वो बताया नहीं जा सकता। गूंगे का गुड़, वो उसे ही पता है कैसे है, उसकी टेस्ट, उसका स्वाद। जो आत्मा इसका रसस्वादन करती है, बस उसे ही पता है परमात्मा प्रेम कैसा है। सुनाया नहीं जाता, ये आंखों से बरस जाता है। तो वो ईश्वरीय प्रेम, बाबा ने उस मुरली में कहा था, सबसे पहला ये प्रेम कैसा है? झूला है। ये प्रेम क्या है? एक आनंदमय झूला है। उस दिन कहा था कि झूले में बैठना है, कौन कौन बैठा? बैठ के देखा कैसा आनंद आता है झूले में बैठने से। स्थूल झूला, उसमें बैठ के देखना है। यहां पर भी एक झूला है कुटिया के पास, उसमें भी बैठ के देखना है ना, ज्यादा लाइन मत लगाना। तो झूले में झूलने का अभ्यास, ये ईश्वरीय झूला, ईश्वरीय प्रेम का झूला है। इस ईश्वरीय प्रेम के झूले में बैठना और झूलते जाना। तो क्या फायदा होगा झूले में झूलने से? हल्के। और झूले में झूलने के फायदे? जमीन पर पैर नहीं रहेंगे। आज कहा है आत्माभिमानी बन जाओ तो ये तुम्हारे विकारी ख्यालात उड़ जाएंगे, सब ख्यालात उड़ जाएंगे। क्रिमिनल आय नहीं रहेगी, फिर विकारी दृष्टि नहीं रहेगी, प्योर बन जाओगे, फिर खुशी होगी, फिर तुम कहोगे ओहो क्या बाबा, तुमको पा लिया तो सब पा लिया। तो सबसे पहले ईश्वरीय प्रेम क्या है? एक आनंदमय झूला है। इस झूले में बैठकर अनुभव करना है क्या होता है, झूलते जाना इसमें। केवल उसी की याद, उसी का चिंतन। और जब आप मधुबन में आए हैं तो संसार से दूर है, संसार की बातें दूर है, यहां पे खो जाना है इस प्रेम में। 5 मिनट भी यदि कोई खो जाए तो उसका असर महीनों तक चलेगा। 5 मिनट भी ईश्वर के लिए, परमात्मा के लिए आंसू आ जाए तो उसका असर 2-3 महीना तो चलेगा। पर वो सच्चे आंसू चाहिए, ईश्वरीय प्रेम के आंसू, मतलब के आंसू नहीं चाहिए, ठगने वाले आंसू नहीं चाहिए, प्रेम के आंसू। मगरमच्छ वाले नहीं चाहिए, क्रोकोडाइल टीयर नहीं चाहिए, झूठे नहीं चाहिए, मतलबी वैसे आंसू नहीं, सच्चे दिल। और आंसू कब निकलेंगे? जब उसके उपकार को याद करेंगे कि हम क्या थे और तूने क्या बना दिया, कहां जा रहे थे और कहां पहुंच गए, कैसा जीवन था और कहां आ गए, अब कहां नरक में थे, जब अज्ञान में थे इस समय क्या कर रहे थे, ये 6 बजे से पहले क्या करते थे, निद्रा देवी की गोद में आराम से बैठे थे, सोए थे। तो भगवान ने जीवन कितना ऊंचा श्रेष्ठ बना दिया। क्या खाते थे और अब क्या खा रहे हैं, क्या पहनते थे अब क्या पहन रहे, क्या पढ़ते थे अब क्या पढ़ते थे, क्या देखते थे अब क्या देख रहे हैं, कहां घूमते थे अब कहां घूम रहे हैं, कौन से दोस्त तब थे अब कौन से दोस्त थे, तब क्या परिवार था अब क्या परिवार है। तो उपकार तुम्हारा है बाबा, किन शब्दों में मैं गाऊं, इस दिल ने जो पाया है वो
कैसे मैं समझाऊं। मरुभूमि थी जीवन, पतझड़ था, बहार बनकर वो आया, गुलजार बनकर वो आया। तो ईश्वरीय प्रेम, आंसू कैसे आएंगे? पहले तो उपकार, एहसान, उसी दम तेरा वो आना ना भूल पाएंगे। किस दम? जब हम मरने को थे, बस दम ही निकलने वाला था। तुम कितने डूब गए थे भक्ति में, एक ही बाल बाकी था। मैंने आकर तुमको एक बाल से खींचा है। तुम कहां बैठे, कहां पड़े हुए थे? वो कचरे के डिब्बे में, रिफ्यूज में, वहां पर पड़े थे। उस डस्टबिन से तुमको मैंने निकाला। ऑर्फन थे, सनात कर दिया। तो उसके उपकारों को याद किया कि हम किस स्थान पर है, किन लोगों के बीच है। धन्यवाद, अहोभाव, थैंकफुलनेस, ग्रेटिट्यूड से आत्मा को भर देना, तो उसके लिए प्यार बढ़ेगा। तो सबसे पहला बताया, ये ईश्वरीय प्रेम क्या है? झूला है, स्विंग है, जिसमें हम झूल रहे हैं। और झूलने का अनुभव करना है कि उसके प्यार में बाबा खुद झूला रहा है पीछे से, और हम झूल रहे हैं। दूसरा, ये प्रेम क्या है? खजाना है। हमें खजाना मिला है, ये अनुभव। जैसे एक चोर है, इस कमरे में है, और एक बहुत ही पतला सा पार्टीशन है, और उसके बाजू में एक सोने की पोटली रखी है, और उसको पता है चोर को कि इस दीवार के उधर एक सोने की पोटली है। रात भर सो पाएगा क्या? सो पाएगा? सोचेगा कैसे उस खजाने को, उस सोने को प्राप्त करूं, बेचैनी रहेगी उसको। सोचिएगा क्या मैं करूं, ये खजाना मुझे मिल जाए। और हम आराम, और उसको क्या कहेंगे वो चोर जो आराम से सोया है? वो कोई शातिर चोर नहीं है। तो ईश्वरीय चोर, ईश्वरीय खजानों को चोरी करने वाले चोर बन जाना है। ईश्वरीय प्रेम, तो ये ईश्वरीय प्रेम क्या है? खजाना है, सबसे बड़ा खजाना संसार का। अगर ये चोरी हो जाए हमारे हृदय से, तो हम सबसे अधिक दरिद्र इस संसार में, हमसे अधिक निर्धन संसार में कोई नहीं। ये सबसे बड़ा खजाना है। तो ईश्वरीय प्रेम क्या है? खजाना। इस खजाने में डूबे रहो, लवलीन रहो, समाये हुए रहो, निमग्न रहो, विलीन हो जाओ, विलय की यह अवस्था ईश्वरीय प्रेम में। तीसरा खुशबू है ये। जहां ईश्वरीय प्रेम होगा, उस आत्मा से रूहानियत की खुशबू आएगी, और जहां देहधारियों का प्रेम होगा और चमड़ी से प्रेम होगा, वहां गंध, दुर्गंध आएगी विकार की। जिसकी बुद्धि देहधारियों के प्रेम में, प्यार में फंसी है, पजेसिव रहेगा, ये मुझे चाहिए, ये मेरा, ये मेरी, उसको वो मुझे मिलना चाहिए, बीच में कोई आया तो वो शत्रु बन जाता है। एक से प्रेम तो किसी और से घृणा होती है यहां पे संसार में, पर ईश्वरीय प्रेम ऐसा ही है। अगर उससे अगर प्रेम करो तो सबसे प्रेम स्वतः ही, फिर किसी से घृणा नहीं, किसी से नफरत नहीं। पर संसारिक प्रेम में अगर एक से प्रेम है तो कंपल्सरीली किसी और से घृणा करनी पड़ती है, क्योंकि वो बीच में आने की कोशिश करता है, वो उसको लेने की कोशिश करता है, पजेसिव होता है वो, मेरा, मेरी, ये भाव होते हैं उसमें। वो कोई भी हो, फिर मेरा बच्चा, मेरी बच्ची, मेरा पति, मेरी पत्नी, पजेसिवनेस है उसमें। और जहां पजेसिवनेस है वहां एक्सपेक्टेशन है, वहां दुख है। तो ईश्वरीय प्रेम कैसा है? खुशबू है, रूहानियत की खुशबू। चौथा, ईश्वरीय प्रेम अर्थात समर्पण। ईश्वरीय प्रेम अर्थात समर्पण करता है वो। प्रेम की परिभाषा ही है समर्पण। प्रेम अर्थात त्याग, प्रेम अर्थात समर्पण। स्वाहा कर देता है। टू ले डाउन वंस लाइफ फॉर द बिलवेड इज द हाईएस्ट फॉर्म ऑफ लव। अपने जीवन को उसके प्रति न्योछावर कर देना जिससे प्यार है, ये प्रेम की सर्वोत्तम पराकाष्ठा है, परिभाषा है। पांचवा, ये निस्वार्थ प्रेम है। संसार के सारे प्रेम कैसे हैं?
बड़े स्वार्थी है लोग, मतलब से प्रेम करते हैं या बहुत निस्वार्थ है संसार के लोग। हम कहेंगे ये तो संसार की बात है, हमारे घर में तो सब निस्वार्थ है। मेरी मां का जो प्यार है निस्वार्थ प्यार है, मेरे पिता का जो प्यार है निस्वार्थ प्यार है, मेरी पत्नी का जो प्यार है सबसे ज्यादा निस्वार्थ प्यार है। महात्मा गांधी ने एक पत्र लिखा था विदेश से भारत में, जिनको वो गुरु समझते थे, राजा चंद्र, श्रीमत राजा चंद्र, बड़ौदा में जो आश्रम है बहुत बड़ा, तो उनको उन्होंने लिखा, मैंने यहां पर एक पति पत्नी को देखा और मैंने देखा ये पत्नी अपने पति की कितनी सेवा करती है, यही सच्चा प्यार है, ऐसा कोई प्यार हो ही नहीं सकता, इतनी निस्वार्थ भाव से ये पत्नी अपने पति की सेवा करती है। राजा चंद्र ने वापस लिखा था, रायचंद भाई जिनको उनका नाम लिखा है, श्रीमत राजा चंद्र, अलग अलग नाम से उनको संबोधित किया हुआ है, तो उन्होंने पत्र लिखा, घर में एक नौकर भी रहता है 40 साल से, वो भी सेवा करता है, वो भी बड़ा लॉयल ईमानदार होता है, उसके प्यार की तो कभी तुमने कभी चर्चा नहीं की और ना ही कोई दूसरा चर्चा करता है, क्या वो प्यार इस प्यार से कम है? तुम ये क्यों समझते हो कि पत्नी का ही प्यार पति के लिए बहुत ज्यादा है, ये भी तो है, इसका भी तो प्यार ज्यादा है। तो उनको थोड़ा धक्का लगता है, ये बात सुनकर। और ये परमात्मा प्रेम तो हाईएस्ट है, सेल्फलेस। बाबा ने कहा है इससे संसार के सभी प्रेम सुर नर मुनि सबकी यह रीति, स्वार्थ हित सब कर ही प्रीति, केवल स्वार्थ के लिए प्रेम कर रहे। और उन उस प्रेम से डिटैचमेंट तब आता है जब उस व्यक्ति से कठोर कटु शब्द सुनने को मिलते हैं। सबसे ज्यादा हर्ट कौन करते हैं, बाहर वाले कि अपने? अपने घाव तो बहुत थे दिल पर दुख नहीं था, पर जब पता चला कि अपनों ने दिए है, चाकू अपनों के हाथ में था, तब दर्द चालू हुआ। तो परमात्मा प्रेम कैसा है, निस्वार्थ। इसके लिए इस प्रेम में लवलीन हो जाओ, डूब जाओ, खो जाओ, उससे प्यार करो, उससे बात करो, उसके उपकारों का गुणगान करो, महिमा करो, सोचो उसके विषय में एकांत में जाकर कि बाबा ने हमारे लिए मेरे जीवन में क्या क्या कर दिया। और इतना करने के बाद में भी हम क्या कहते हैं, कंप्लेंट्स। उसने जो किया उसका नहीं सोच रहे, जो नहीं किया उसी का चिंतन चालू है, तुमने ये क्यों नहीं किया, तुमने वो क्यों नहीं किया, तुम ऐसा क्यों नहीं करते, तुम वैसा क्यों नहीं करते। पहले जो किया है उसका तो सोचो। छठवा, ईश्वरीय प्रेम एक उड़ने का साधन है, सोरिंग इंस्ट्रूमेंट। ईश्वरीय प्रेम क्या है, उड़ाता है, बाकी सारे प्रेम गिराते हैं, बाकी सारे प्रेम चोट लगती है, वो प्रेम में गहरी चोटें लगती है, कोई कोई उभर भी नहीं पाते उससे, जीवन भर अंत दुखी रहते हैं, किसी ने धोखा दे दिया। ऐसा कभी सुना है कि भगवान ने धोखा दे दिया, ईश्वर से प्रेम किया और प्रेम में धोखा हो गया, टाइम पर बाबा ने मदद ही नहीं की, ऐसा हुआ है एनी रिकॉर्ड? वो हमारा कल्याण करना नहीं चाहता, वो हमारा परम कल्याण करना चाहता है। हम अपना कल्याण करना चाहते हैं और वो परम कल्याण करना चाहता है। हमारा हित किस में है वो उसको पता है, हमारा हित हमारी सोच अनुसार ये करने से है, परंतु वो कुछ और सोचता है, उसकी सोच कुछ और है, क्योंकि वो त्रिकाल को देखता है। हम एक काल को देखते और सोचते हैं इसमें मेरा कल्याण है। तो ईश्वरीय प्रेम क्या है, उड़ने का साधन। फिर ईश्वरीय प्रेम क्या है, रस्सी है एक, खींचती है, स्ट्रिंग अपनी ओर खींच लेती है। फिर ईश्वरीय प्रेम कलम है भाग्य की, बाबा ने उस मुरली में कहा यही भाग्य की कलम, यही परमात्मा प्रेम है जो तुमको कलम दे दी भगवान ने, जितना भाग्य बनाना चाहो बनाओ। फिर ईश्वरीय प्रेम क्या है, शक्तिशाली किरणें है, झलक और फलक, इतनी शक्तिशाली किरणों का तुम स्वयं भी अनुभव करोगे कि समस्या आंख उठाकर भी नहीं देख सकेगी, जो इस परमात्मा प्रेम में विलीन है, खोया हुआ है, समाया हुआ है।
समस्या आएगी और चली जाएगी अपने आप। एक है उनसे जूझना, लड़ाई करना, पर एक है ईश्वरीय प्रेम में खोए रहना। आप ही आएगी और चली जाएगी। फिर ईश्वरीय प्रेम की निशानी पालना। ईश्वरीय प्रेम क्या करता है? पालना देता है। भगवान हमारी रोज पालना करता है। क्या क्या पालना करता है? एकांत में बैठ के सोचना, कौन उठाता है, क्या मुरली सुनाता है, कैसा ज्ञान देता है। ये कैसा अद्भुत ज्ञान है जो आज तक कभी किसी ने सुनाया नहीं। संसार में क्या ज्ञान चल रहा था, क्या विस्तार था ज्ञान का, भक्ति का, और ये आकर उसने कैसा ज्ञान दे दिया अचानक। कितने लोगों का जीवन ही बदल गया। पालना। उसके बाद में निशानी परमात्मा प्रेम की, जिससे प्यार होगा उसको हम क्या कहेंगे? आगे, अपने से आगे बढ़ाएंगे। उसकी कमी कमजोरी हम देख नहीं पाएंगे। तो बाबा चाहता है तुम समान संपूर्ण और संपूर्ण बनो, समान समीप और संपूर्ण। और अंतिम निशानी, कर्मातीत बनो। ये उसकी सबसे इंटेंस डिजायर है हमारे लिए। जैसे कोई बेटा है और उसका पिता चाहता है कि मेरा बेटा फर्स्ट आ जाए, तो जब बच्चे को यह पता चलता है कि मेरे पिता की यह इच्छा है, बहुत तीव्र इच्छा है, तब वो उसमें काम करना चालू करता है। तो बाबा की यह इंटेंस, बहुत तीव्र इच्छा है, क्योंकि उसका प्यार इतना है कि वो देख नहीं पाता है कि हम में वो कमी है। बार बार कोई एक बच्चा है, बार बार देहभान में आता है और बार बार गलती कर बैठता है और फिर पश्चाताप करता है, बाबा खुश होगा क्या? कोई बच्चा बहुत मुश्किल में है तो उसका पिता खुश होता है क्या? हाँ, क्या कहा? बाबा मदद करेंगे, करंट देंगे। तो ईश्वरीय प्रेम में डूबना है, ईश्वरीय प्रेम की गहराई को जानना है। उस प्रेम में बहुत आंसू बहा दिए बकेट भर भर के, पति के लिए, पत्नी के लिए, बच्चों के लिए, मित्रों के लिए, संबंधियों के लिए। अब इस प्रेम में भी आंसू बहा के देखो, मेरे लिए आंसू बहा कर तो देखो, तुम्हारे लिए कारुण का खजाना खोल ना दू तो कहना। वो है ना लंबा, भगवान की प्रतिज्ञा, लेटर ऑफ गॉड, लेटर ऑफ गॉड या भगवान की प्रतिज्ञा है। मेरे लिए ये करो तो ये कर दूंगा, एक कदम चलो तो 100 कदम चलूंगा। आंसू बहा के देखो तो गंगा बहा दूंगा, ऐसे बहुत बड़ा है सारा टंकी फुल कर दूंगा। तो जैसे ब्रह्मा बाप इस प्रेम में क्या थे? लवलीन थे। उसी तरह क्या करो तुम भी? इस प्रेम पे लवलीन हो जाए। संकल्प में बाबा, बोल में बाबा, कर्म में बाबा, एक ही अनहदनाद अंदर बजता रहे। यदि हम अपने आप को अब देखें तो शायद वो नहीं बज रहा है। पहले तो ये स्वीकार करना है कि वो ईश्वरीय प्रेम वहां तक नहीं पहुंचा है जहां तक होना चाहिए, क्योंकि ये ईश्वरीय प्रेम के लिए क्या चाहिए? त्याग चाहिए, तपस्या चाहिए, वैराग चाहिए, ईश्वरीय अनुराग विषय विराग। जब तक विराग नहीं हो जाता विषयों का, ये प्रेम नहीं आता है। जो व्यक्ति संसार में चिपका हुआ है वो ईश्वरीय प्रेम का अनुभव थोड़ी कर सकता है। तो परमात्मा प्रेम में डूब जाना है, ये आज का अभ्यास है। तो 2-3 आपको काम दे रहे हैं। सबसे पहला, ईश्वरीय प्रेम को कैसे बढ़ाए, ईश्वरीय प्रेम को कैसे बढ़ाए। अभी जितना प्रेम है वो और कैसे बढ़ जाए। दूसरा, ईश्वरीय प्रेम की गहराई क्या है? What is the depth of divine love? ईश्वरीय प्रेम की क्या गहराई है? और इस प्रेम में कैसे डूबे रहे? निरंतर, सतत, अहर्निश, प्रतिपल, इससे निकलना ही नहीं है बाहर। गर्दन को पकड़ के डुबो देना है इस ईश्वरीय प्रेम में, तो अपने आप परिवर्तन आएगा। ईश्वरीय प्रेम का परिणाम है ब्रह्मचर्य, पवित्रता स्वतः आएगी, करनी नहीं पड़ेगी। परिणाम है ब्रह्मचर्य। ईश्वरीय प्रेम का परिणाम है खुशी। ईश्वरीय प्रेम का परिणाम है
एक रस अचल अवस्था, ईश्वरीय प्रेम का परिणाम है माया जीत स्थिति। माया से युद्ध बंद होगा, यह ईश्वरीय प्रेम है। तो इसी ईश्वरीय प्रेम में अपने को आज डुबो के रखना। भगवान की प्रतिज्ञा सुन लो, मेरे मार्ग पर पैर रखकर तो देख क्या कर दूंगा, तेरे सर्व सारे सर्व मार्ग खोल ना दू तो कहना, जहां जहां बाधा है, अड़चन है, रुकावट है, सारे अवरुद्ध सारे हटा देंगे। मेरे लिए खर्च करके तो देख, कुबेर के भंडार ना खोल दू तो कहना, मेरे लिए कड़वे वचन सुनकर तो देख, कृपा ना बरसा दू तो कहना, मेरी तरफ आकर तो देख, तेरा ध्यान ना रखू तो कहना, मेरी बातें लोगों से करके तो देख, तुझे मूल्यवान न बना दू तो कहना, मेरे चरित्रों का मनन करके तो देख, ज्ञान के मोती तुझ में न भर दू तो कहना, मुझे अपना मददगार बना करके तो देख, तुझे सबकी गुलामी से न छुड़ा दू तो कहना, मेरे लिए आंसू बहाकर तो देख, तेरे जीवन में आनंद के सागर न बहा दू तो कहना, मेरे लिए कुछ बन करके तो देख, तुझे कीमती न बना दू तो कहना, मेरे मार्ग पर निकल कर तो देख, तुझे शांति दूत न बना दू तो कहना, स्वयं को मुझ पर न्योछावर करके तो देख, तुझे मशहूर न कर दू तो कहना, तू मेरा बनकर तो देख, हरेक को तेरा न बना दू तो कहना। ओम शांति।